हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं सुषमा धसमाना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सबकी फेवरेट और स्पेशली मेरी फेवरेट गुड़ और मूंगफली की गजक की रेसिपी जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और घर की बनाई हुई गजक हाइजीनिक भी होती है क्योंकि जो बाहर की गजक होती है ना यू कैन नेवर नो कि वो पता नहीं किस किस तरीके से उसे बनाकर तैयार करते होंगे तो मुझे तो जब भी गजक खाना होता है मैं घर पर ही गजक बनाकर तैयार करती हूँ तो चलिए झटपट शुरू करते हैं प्रोसेस तो गजक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मूफली ली है ये बाजार की जो मूफली आती है रोस्टेड वो मूफली मैंने ली है और ये पतले साइज की मूफली है तो अब हमें क्या करना है हमें इसका छिलका उतारना है तो उसके लिए हम इसे इस तरह से कपड़े में डाल देंगे और इसे दोनों हाथों से इस तरह से रब करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा इसका छिलका भी उतर जाएगा और जो मूंगफली है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो गजक बनाने के लिए हमें ऐसे टूटी हुई मूंगफली की ही जरूरत होती है तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा छिलका अलग हो गया है तो अभी हमें इस छिलके को साफ करना है तो छिलके को साफ करने के लिए हम इसे एक थाली में डाल लेंगे और इस तरह से फटक फटक के जिस तरह से हम चावल साफ करते हैं इस तरह से हम इसे फटकेंगे तो इसका जो सारा छिलका है वो आगे आ जाएगा और इसको निकाल के आप फेंक दीजिए तो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए सारी जो हमारी मूंगफली है उसका हम छिलका कर लेंगे एकदम से अलग ये देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी मूंगफली कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुकी हैं तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और साथ ही इसमें डाल देंगे एक कटोरी गुड़ तो मैंने एक कटोरी मूंगफली ली थी तो इसमें एक कटोरी ही हम गुड़ का यूज करेंगे दैट मीन जितना हमने गुड़ लिया है उतनी ही मूंगफली लेनी है तो आपकी परफेक्ट गजक बनकर तैयार होगी तो एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर लेंगे सिम और जो ये पूरा प्रोसेस है वो सिम फ्लेम पे ही होगा और गुड़ को इस तरह से चलाते हुए हमें मेल्ट करना है अच्छे से ये देखिए इस तरह से इसे मेल्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो से तीन मिनट में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है ये देखिए गुड़ हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है ये देखिए तो इसे अब हम चेक कर लेंगे तो चेक करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें गुड़ का ये पेस्ट डालेंगे और अगर ये एकदम डालते ही हार्ड हो जाए दैट तो ये अच्छे से पक चुका है बट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से खींच रहा है तो गुड़ अभी हमारा अच्छे से पका नहीं है तो हमें इसे अभी और पकाना है और एवरी आफ्टर टू तो मिनट्स आप इसे चेक करते रहें जब तक कि ये पानी में डालते ही हार्ड फॉर्म में ना आ जाए तब तक हमें इसे गुड़ को पकाते रहना है इसी तरह से तो देखिए गुड़ हमारा मुझे इसे पकाते हुए तीन मिनट और हो चुके हैं अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है एक बार दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए सेम उसी प्रोसीजर से गुड़ को डालेंगे थोड़ा सा जो गुड़ का पेस्ट है वो पानी में डालेंगे और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ पानी में डालते एकदम से हार्ड हो ये टूटने लगा है दैट मीन्स गुड़ हमारा पक चुका है अच्छे से अब झटपट हम इसमें डाल देंगे मूंगफली और मूफली डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि इसे हम जितना पकाते जाएंगे ये उतना हार्ड होता जाएगा गुड़ हमारा परफेक्टली पक कर तैयार हो चुका है तो बस जैसे ही ये मिक्स हो जाए इसमें तो कुछ सेकेंड या फिर एक मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद ये देखिए तो यहाँ पर मैंने अब एक प्लास्टिक शीट ली है और इसको हम ग्रीस कर लेंगे शुद्ध देसी घी से रिफाइंड ऑयल का हमें यूज नहीं करना है क्योंकि रिफाइंड ऑयल यूज करने से उसकी स्मेल आ सकती है इसलिए तो देसी घी ही यहाँ पर यूज करना है तो अब ये जो गजक का पेस्ट हमने बनाकर रखा था ये सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें बेलन से या किसी भी हैवी चीज से प्लेट वगैरह से प्रेस करते हुए हमें इसे फैलाना है इस तरह से ये देखिए और इसे अब हाथ से थोड़ा सा शेप दे देंगे और अभी हमें इसे हम इसे कट कर लेंगे क्योंकि एक बार अगर ये सूख जाएगा तो ये पीसीज में कट नहीं हो पाएगा उस, उसमें उसमें प्रॉब्लम होगी तो इसको पहले तो निकाल लेंगे एक किसी भी चॉपिंग बोर्ड पे या फिर प्लेट में निकाल लेंगे हम इस तरह से ये देखिए तो मैं यहाँ पे पिज्जा कटर का यूज कर रही हूँ इसे कट करने के लिए आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं ये देखिए अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में आप इसे पीसीज में कट कर सकते हैं ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजीली ये गजक कट हो रही है क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है तो ये देखिए मैंने इन्हें इस तरह से पीसीस में कट कर लिया है सभी गजक को तो देखिए कितनी अच्छी गजक हमारी बनकर तैयार हुई है और मैं आपको इसे दिखाती हूँ एक पीस तोड़ के ये बहुत ही क्रंची गजक है और खाने में ये इतनी टेस्टी है कि मतलब ये जैसी खत्म होने वाली होती है ना उससे पहले ही मैं इसका एक बैच बनाकर और तैयार कर लेती हूँ तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक करें मैं फिर मिलूंगी एक और नई सिंपल और इजी रेसिपी के साथ तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का बाय बाय